प्रश्न संख्या 541 माननीय मंत्री माननीय वाचस्पति महोदया ओडिशा रे 2018 जैविक कृषि पॉलिसी आसीबा परे परथारु राज्य रे जैविक चाष जमीर वर्षवारी परिमाण सरणी एक रे प्रदान करागला जैविक कृषि प्रसार पाई निया जाइथबा पदक्षेप तथ्य सरणी दुई रे प्रदान करागला। माननीय प्रश्नकर्ता श्री दुर्गाचरण तंती। माननीय वाचस्पति महोदया जैविक कृषि 2018 आसला जैविक कृषि जो वृद्धि घटी मुख्यतः सुंदरगढ़ जिले में जो चाषी मैंने अच्छा केत दूर उपकृत होती से विषय जानवा वाचस्पति महोदय जैविक कृषि को आरंभ जब करागला से सुंदरगढ़ जिला को इनक्लूड करा जाए नहीं प्रथम 10 राज्य जैविक कृषि को आरंभ करा जाइथला एवं सुंदरगढ़ जिले रे एबे पर्यंत जैविक कृषि आरंभ करा जाए नहीं आ परवर्ती समय रे इ वर्ष आमे ताकु प्रत्येक राज्य रे प्रत्येक जिले रे करिबा पाई पदक्षेप नछ। माननीय विधायक श्री अश्विनी कुमार पात्र। स्पीकर मैडम आपण जानती जे राज्य रे आमे जो रासायनिक सार चाषी मान व्यवहार करचंती सारा राज्य रे अधिक उत्पादन करिबा पाई चाष विभिन्न किसम द्रव्य को ए अवसर रे खार अंश माटी रे अधिक अधिक देखा जाउछि जो थिरे कि तार प्रोडक्शन बढ़ी थिले भी जो माटीटा कमे खार युक्त अधिक होउथबारु ताको सेथिरु मुक्त करिबा पाई से जमी को माटी को अधिक उर्वर शक्ति वृद्धि करिबा पाई एवं माटीर क्षमता शक्ति आधारण अधिक बढ़ेबा पाई जैविक पद्धतिर चाष करिबा सबु किछि आवश्यकता वर्तमान उपलब्धि करा जाउछि। माननीय उपमुख्यमंत्री ठारु मु जानिबाकु चाहे मैडम कि ए जैविक पद्धति रे कार्य करिबा पाई समस्त चाष कार्य करिबा पाई आमर से अनुसार तालीम प्राप्त कृषक मानू तालीम दबापाई तालीम प्राप्त अधिकारी मानू से दिगरे कौन सी कार्यक्रम करने निर्देश दिया जाए कि माननीय मंत्री। माननीय वाचस्पति महोदय मुनवर जलेश्वर विधायक जानकारी मुझे जनईदेबापी चाहिए सर्वप्रथम जमीर सॉइल टेस्टिंग रो व्यवस्था सरकार तरफ रु कर तार जदि एसिडिक कंटेंट किसी अच्छी ताको नहींकर को प्रकार चाष से कर टेस्टिंग करा चाषी मानूरे आम साछ जो कौन सी चाषी तक जमीर टेस्टिंग करने सॉइल कार्ड मध्यम से मैंने अप्लाई करें एवं ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग करने चाषी मानू आम एक्सटेंशन ऑफिसर का देचु जो माने ऑर्गेनिक फार्मिंग को से जिले में टेकअप करने पदक्षेप नौ। माननीय विधायक श्री सिद्धांत महापात्र। माननीय वाचस्पति महोदय ये सीधा सीधा प्रश्न ये जे प्रथम कथा जमती माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय कहले जे आम सॉइल टेस्टिंग करने कथा तो प्रथम तो मुझे जानवाक चाहिए जे आमर जिते चाष जमी अच्छी से विगत 5 वर्ष जमी रे सॉइल टेस्टिंग प्रकृत एवं तार रिपोर्ट उपलब्ध अच्छी कि ना। द्वितीय कथा हला ये जैविक सार जितेबाला आम करूचे जमीक माननीय मंत्री महोदय कहले आम प्रत्येक जिले में जैविक प्रणाली में चाष करने आम चाहूँ तो जदि आम करने चाहूँ तेल कौ प्रणाली जैविक सार उत्पादन आम करूचे बात उत्पादन करूचे एवं ता अंतर्गत आम कौ कौ फसल ताधरे चाष करवाक चाहूचे से विषय जदि किसी बृत्ति देवे भल हाँ। माननीय मंत्री
मान्यवर वाचस्पति महोदया, मान्यवर विधायक सिद्धांत महापात्र जो प्रश्न करिछंती, जदियो भी जैविक चाष माध्यम रे 2018-19 रे एटा को आरंभ सरकार पदक्षेप नहीं थिले एवं प्रथम पर्याय रे ऑर्गेनिक एरिया हेक्टर वाइज 7928 हेक्टर रे 8 डिस्ट्रिक्ट को कवर करा जाइथला। 2019-20 10237 डिस्ट्रिक्ट 10 जिल्ला रे करा जाइथला एवं 2021-21 5767 8 जिल्ला रे पुणी टेकअप करा जाइथला। 21-22 24585 हेक्टर रे ऑर्गेनिक चास करिबा पाई 14 जिल्ला करा जाइथला। 2022-23 51287 19 जिल्ला रे टेकअप करा ही। मो आपन को जणई देबा पाई चाहूची जो दुईटी सब स्कीम अच्छी जो सब स्कीम रे इटा को टेकअप करा जाइथला इथिरे आपन को गंजाम जिला से अंतर्भुक्त नहीं सेटा गंजाम जिला को आमे जो नुआ करिबा सेतिरे आमे अंतर्भुक्त करिबा आपणकर जो दुईटी सब स्कीम अच्छी परंपरागत कृषि विकास योजना जो 2018 आरंभ होता तार सब स्कीम थिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जोटा 2021-22 तीन वर्ष पाई ताकू पिकअप करा जाइथला जोटा 23-24 समाप्त होगला से 10 जिला अंतर्भुक्त थिला। सब स्कीम नंबर 2 जोटा भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति रे सेटा 2022-23 आरंभ करा जाइछि जोटा 3 वर्ष पाई सेटा भी अच्छी जोटा 2024-25 वर्ष 15 जिला सेतिरे अंतर्भुक्त अच्छी सेटा भी समाप्त होई जीवो। थर्ड फेजटा आमे जो परंपरागत कृषि विकास योजना रे सेटा को आमे 2024-25 रु आपणकर ई खरीफ सीजन रु रबी सीजन रु ताकू टेकअप करने पदक्षेप नौ।